मेरा सवाल स्विच लोन पे और विकास लाइफ केयर पे है मैडम। क्या रेट पर बाइंग है दोनों स्टॉक में? ये स्विच लोन का मेरा 40-20 है, 700 स्टॉक है। ओके। और विकास लाइफ का मेरा मतलब एवरेज करते करते मेरा 596 है उसका, और 3000 शेयर है, 3500। और दोनों में ही आपका नजरिया क्या था? इसमें विकास लाइफ में तो ज्यादा नहीं था मैडम, इसमें तो लॉन्ग नजरिया था कि कम से कम दो, एक से दो साल मतलब इसका रुकूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। ओके, चलिए मैं आस्था से जुड़ती हूँ। आस्था, स्वागत है आपका। और स्विच लोन के बारे में बात करते हैं आस्था। 40 किन की खरीद है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग पूजा। माफी चाहूंगी थोड़ा सा टेक्निकल डिलेज की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ ज्वाइन करने में। देखिए स्विच लोन की बात करें तो जिस तरह से अब गवर्नमेंट का पूरा एम्फेसिस विंड एनर्जी को लेके है, और एनर्जी में विंड का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ने वाला है, तो स्विच लोन उसका की बेनिफिशियरी रहेगा। इनफैक्ट जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो 40-42 के रुपए के आसपास है, और अभी 40 रुपए ही चल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक क्योंकि गवर्नमेंट का एक और यहाँ पे व्यू है कि पावर सप्लाई टू ऑल बाय 2025 24/7 पावर सप्लाई की बात है, तो विंड एनर्जी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हुई नजर आएगी, और स्विच लोन उसमें की बेनिफिशियरी रहेगा। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर वेल पॉइज्ड है इस सेगमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कैटर करने के लिए। खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी, और लिया हुआ है तो बने रहिए। इनिशियल टारगेट 46 रुपए का, इसमें 46 का रख सकते हैं, और उसके बाद 48 तक के भी लेवल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा।